बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अभी तक मालूम नहीं है। मुझे भी कुछ साल पहले तब मालूम हुआ जब मेरे एक कोलीग ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए और उनसे डिस्कशन हुई और वो इसी मर्ज़ के हवाले से रिसर्च कर रहे थे जिसको लिपिडीमा या लिपोडीमा कहा जाता है। जून का जो महीना है पूरी दुनिया में लिपिडीमा अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही दी जा सके। लिपिडीमा का जो मर्ज़ है ये काफ़ी कॉमन है पूरी दुनिया में, लेकिन इसको सही तरह से डायग्नोस नहीं किया जाता। एक्चुअली इस मर्ज़ में होता यूँ है, और ये पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मर्ज़ ख़वातीन में होता है, और इस मर्ज़ में जो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि ये ओबेसिटी है या लिम्फोडीमा है, यानी लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, ऐसी कंडीशन में जो हैं जो टांगे हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टोटली एक डिफरेंट मर्ज़ है जिसमें टांगे जो हैं वो एबनॉर्मली मोटी होना शुरू हो जाती हैं, और शुरू में जो है ये पेनफुल नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बहुत ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसमें होता यह है कि स्किन के नीचे जो फैट टिश्यूज़ होते हैं फीमेल बॉडी में, वो उसमें एसिमेट्रिकली, उसमें कोई ख़ास प्रोपोर्शन नहीं होता, लेकिन उसमें फ़ैट कंटेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है। इसको मिसडायग्नोस किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है जिसमें टांगें जो हैं वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं, वो कार्डिक इशू की वजह से हो सकता है, यानी दिल के अमराज में, गुर्दों के अमराज की सूरत में, ड्रग कोई रिएक्शन कर जाती है उस सूरत में, डायबिटिक की कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, वेंस का इशू हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम का इशू हो सकता है या हार्मोन का इशू हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में इनिशियली इसको मिसडायग्नोस किया जाता रहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसके बारे में ज़्यादा अच्छे टेस्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये क्यों होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि ये क्यों होता है, लेकिन कंसीडर किया जाता है कि ये एक त्वार सी बीमारी यानी इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आती है। और दूसरा इसका लिंक जो है वो हार्मोनल भी है, क्योंकि ये प्यूबर्टी में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में इसके सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। इसको अभी तक इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, इसके हवाले से भी रिसर्च हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही मैंने पाकिस्तान में इसको सर्च किया कि ऐसी कोई डिज़ीज़ जिसका पता चल सके लिपिडीमिया के नाम से, जिस पर कुछ काम हुआ, कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ या किसी डॉक्टर ने इस पर बात की हो, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल इस डिज़ीज़ के हवाले से डिस्कशन नहीं है, इसलिए नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट जो है जल्दी जो हमारे कलीग्स हैं यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, उनकी मदद से कुछ सेशंस जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए अरेंज करेगी ताकि डॉक्टर्स को प्रॉपरली इस डिज़ीज़ के बारे में जो है वो बताया जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली डायग्नोज कर सके और उनके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कंसर्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।